Hello everyone, so I welcome you all to this very very special podcast that is the Coffee with the Toppers. We have two toppers today with us, Tripti Shreya and Mahek Raheja for our June 2023 CA Foundation examinations. So guys, let me tell you ki Tripti jo hai hamari live batch ki student hai. एंड महक जो है वो फेस टू फेस बैच की स्टूडेंट है. सो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें फेस टू फेस बैच करनी चाहिए या लाइव बैच करनी चाहिए, दोनों में से बेटर कौन सी है, मेरे लिए क्या ज्यादा बेटर रहेगा. सो यार दो टॉपर है, उसमें से एक फेस टू फेस बैच की है और एक लाइव बैच की है. सो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा, इट इज नॉट अबाउट द मोड कि आप फेस टू फेस बैच से कर रहे हो या लाइव बैच से कर रहे हो, इट इज अबाउट द ऑनेस्टी. एंड ऑनेस्टी किसकी, स्टूडेंट की, क्योंकि मुझे लगता है टीचर्स तो यार सारे ही ऑनेस्ट होते हैं, वो अपना 100% हर एक बच्चे को इक्वली देते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द स्टूडेंट कि आप फेस टू फेस आए पर आप बंक करके कैफे चले गए तो आप फेस टू फेस आके भी पास नहीं होगे. एंड अगर लाइव में आप गद्दे के अंदर कंबल के अंदर वो देख रहे हो वीडियो, मैं इसको यार स्टडी नहीं बोलता, इसको एजुकेशन नहीं बोलता. सो अगर लाइव स्टूडेंट भी हो पर आप वही डिसिप्लिन मेंटेन करते हो कि सुबह आप एक पंक्चुअल टाइम पे उठे, आप बढ़िया यार फ्रेशन अप होके नहा के वो लेक्चर्स अटेंड करने बैठे, इस सिंसियरिटी को तो यार अलग ही मार्क्स मिलने चाहिए जैसा तृप्ति को मिला है. सो तृप्ति तुम्हारी लाइव क्लासेस थी, करेक्ट? यस सर. सो कैसे, मतलब गद्दे के अंदर से तुमने क्लासेस अटेंड करी? सो व्हाट वाज योर स्ट्रक्चर, अगर मान लो सुबह 8:30 बजे की क्लास है तो तृप्ति इसको कैसे केटर करती थी? मुझे उठने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक सेपरेट स्टडी रूम अपना बना लिया था, वहाँ पे सेपरेट टेबल था, सेपरेट सब कुछ था, तो वो फोकस डाइवर्ट नहीं होता उससे, वो लेजीनेस आती नहीं है उस एनवायरनमेंट में. तो मैं हर रोज उठ कर वहीं बैठती थी सबसे पहले और अटेंड करके उसके बाद सारे काम. मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका बेड है उसके पास आपका स्टडी टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेड में सुपर पावर होते हैं आपको खींचने के, करेक्ट? सो गाइज यहाँ पे तृप्ति ने जो बोला, आपका स्टडी रूम अलग होना चाहिए. अगर आप बेड के आसपास ही बैठ के क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो वो बेड ना जाने आपको कब बुला लेगा और आप फिर लेट के फिर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर वो गई क्लासेस. मतलब लाइव में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपका परफेक्शन होना चाहिए, आपका पूरा माइंड क्लियर होना चाहिए कि भाई जैसा मैं अपना 100% डेडिकेशन के साथ फेस टू फेस क्लास अटेंड करूंगा. क्या आपको कभी फेस टू फेस क्लासेस में टीचर ऐसा लंबा होकर बैठने देगा क्या कि बढ़िया आप फैल के बैठो? नहीं, टीचर तुरंत बोल देगा भाई सीधे बैठ. तो तृप्ति का ये जो है कि स्टडी टेबल पे प्रॉपर एक एनवायरनमेंट अलग, ये एनवायरनमेंट यार लाइव क्लासेस के लिए बहुत जरूरी है. यस महक, जैसे तृप्ति ने बताया कि उनके लिए एक स्ट्रगल था कि वो बेड से दूर अपना एक पूरा पढ़ाई करने का एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके थे जहां से वो लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस अटेंड करते थे. तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे फेस टू फेस बैच अटेंड करने में? फेस टू फेस बैच पहले तो होती थी मॉर्निंग में 8:30 से, तो सीए फाउंडेशन में एंटर होने से पहले तो किसी की आदत नहीं होती है कि 10 सुबह आप उठो क्लास आओ, तो पहले तो आपको 7 o'clock उठो, फिर घर से निकलो, उसके बाद क्लास में आओ, फिर अगर टीचर टाइम पे आ रहा है तो आपकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी 10 मिनट पहले क्लास में एंटर हो जाओ, बैठो, अपना पूरा प्रिपेरेशन करो जो भी लेक्चर है बाकी का उसके लिए. तो सो आपकी जो फेस टू फेस बैचेस हुआ करती थी उसमें फर्स्ट लेक्चर किसका होता था? मेहुल सर. ओ ग्रेट, तो मेहुल सर तो क्लास में लेट आने वालों को बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, तो क्या आप कभी एकाध बारी क्लास के बाहर वेट करना पड़ा? नहीं. बिल्कुल नहीं. सो दैट्स ग्रेट. महक के साथ ऐसा नहीं हुआ, बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कॉन्स्टेंटली बाहर होते थे. तो सर फिर आप उन बच्चों को ऐसे कुछ टाइम बाद अंदर लेते थे या पूरा लेक्चर वो लोग बाहर ही रहा करते हैं? मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, ह्यूमन है, 5-10 मिनट कोई भी लेट हो सकता है, बट जो बच्चा टाइम पे आ गया, मैं अगर एक एक बच्चे को एंट्री देने चालू करूं तो पता है क्लास में क्या होता है कि आप 200 बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक बच्चा लेट आया, जब तक ये बच्चा दरवाजे से घुस के वहां तक बैठ नहीं जाए सबका फोकस उधर, मैं क्या पढ़ा रहा हूं मतलब नहीं. Yes, yes, definitely. तो ऐसा हर मिनट में अगर एक एक बच्चा घुसेगा तो सबका डिस्ट्रैक्शन ही हो रहा है. तो सिंपल रूल था कि अगर आप 8:30 पे आ गए तो ठीक, वरना नेक्स्ट एंट्री 8:45, फिर वापस दरवाजा बंद और फिर वापस नेक्स्ट एंट्री 9 बजे. तो जो टाइम पे आ गए उनकी 15 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं होने दिए, और जो लेटा है उसको एक्चुअल पनिशमेंट नहीं, बस तू लेटा है तो आप रोक, इकट्ठे एक साथ सारे बच्चों का अंदर ले लेते थे ऐसा. यस डेफिनेटली सर. सो तृप्ति, व्हाट वाज योर टोटल मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जाम्स? 321. एंड व्हाट वाज अमंग द 4 पेपर दैट यू स्कोर्ड मोस्ट इन द पेपर? मैथ्स. ओह ग्रेट. मैथ जैसे पेपर में जिनसे लोगों को डर लगता है और तुम लोगों को पता होगा मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है, सो व्हाट वाज योर स्कोर इन मैथ्स? 84. क्या बात है सर. And yes, so what was your individual highest? पहले बताओ, फिर total जानेंगे. Highest in economics 94. क्या बात है. And total 313. तो दोनों के scores बहुत ही अच्छे हैं, 321 and 330. So Tripti and Mahek, what is different at Vidyodaya? मतलब तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई करी and बहुत सारे तो common features होते हैं हर जगह chapter wise test होते हैं, mock test होते हैं, ये common features हैं. But विद्योदय का ऐसा कौन सा स्पेशल पॉइंट है जो तुम्हें लगा कि यार ये होने से यार
एड ऑन एडवांटेज मिल गया, ये जो 300 के ऊपर पहुंचे या जो टॉपर्स वाली पोजीशन ली वो इस फीचर की वजह से हुआ। तो तृप्ति तुम्हारे हिसाब से क्या है सबसे पहले? द फर्स्ट थिंग वुड बी द कंपाइलर। ऐसा होता है बच्चों के साथ कि लास्ट मोमेंट पर आकर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है एंड में। तो जो कंपाइलर विद्युत ने प्रोवाइड करा था उसमें सारे RTPs, MTPs और पास्ट क्वेश्चन पेपर्स सारे एक जगह पे कंपाइल थे, तो उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं टिक करने में, मार्क करने में। तो वो प्रैक्टिस में एड ऑन हो गए और वो बहुत बेनिफिशियल था। नोट्स ऑलमोस्ट सॉर्टेड थे तो तुम लोगों को वो रिसर्च का टाइम पूरा बच गया बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें और क्या डिफरेंट लगा? एक बहुत इनोवेटिव चीज़ जो स्कैनर्स हैं, जिस जो लेट नाइटर्स स्टडी करते हैं या फिर कभी भी स्टडी करते हैं जब उन्हें वैसा फैसिलिटी नहीं होता है कि वो पूछ सके डाउट्स ना, तो वो एक स्कैन करके अपने डाउट्स को बिल्कुल एक मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। QR कोड टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो तुम पढ़ती थी या फिर रात को? हाँ, मैं लेट नाइट स्टडी करती थी, तो मैं तो 7 बजे सुबह तक पढ़ा है मैंने एग्जाम के टाइम पे, तो वो एक मिनट में डाउट सॉल्व हो जाते थे, खास करके इको के जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसका फन पार्ट ये है कि बच्चों को लगता है हमने उनके लिए बनाया कि उनकी हेल्प हो जाए, टेक्निकली तो हमने खुद को बचाने के लिए करा है। यस डेफिनेटली। बच्चों को रात को 12-12:30 बजे मैसेज आते हैं, अब टीचर की आत्मा तो उसको एक तरह सोना है कि सुबह 8 बजे बैच है और दूसरी ओर डाउट पूछा है, अब नहीं जवाब दो तो भी अच्छा नहीं लगता। आंसर प्लस इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल, क्योंकि हम लोग जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो या तो चैट में करेंगे या ऑडियो रिकॉर्ड करके करेंगे, बट आपको टीचर एक स्क्रीन पर प्रॉपर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जैसे तो फिगर्स लेके सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, प्लस नेक्स्ट टाइम वो डाउट वापस होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो दैट इज अ मोर एड ऑन फीचर ऑफ दिस। सोचा था हम लोगों ने, यही सोचा था कि एक बच्चे को हो सकता है एक ही चीज 4 बार भी पूछनी पड़ जाए, कि आज पूछ ली 5 दिन बाद वो फिर भूल गया, उसको फिर पूछनी है, पर वो बेचारा शर्म के मारे पूछा, डर ही जाएगा कि यार एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछो। सो वी इंट्रोड्यूस कि यार तेरे को 10 बार QR कोड स्कैन करना है, करते रहे, तेरा डाउट क्लियर होते ही जाएंगे और रात को 11 बजे बाद हम भी सो पाएंगे चैन से। तो महक, तुम्हारे हिसाब से कुछ ऐसा एडेड एडवांटेज जो विद्योदय में तुम्हें यूनिक लगा, जो तुम्हें बेनिफिशियल रहा? मुझे दो चीज़ें बहुत ही यूनिक लगी। सबसे पहले तो जो जिद सीरीज थी वो बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि पढ़ता हर बच्चा है बट एग्जाम के पहले एक प्रॉपर रिविजन प्लान करना वो हर कोई नहीं कर पाता है। जो विद्योदय ने हमें पूरी तरीके से करवाया रिविजन, 16 डेज में सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो गए। और सेकेंड चीज़ ये लगी, जो मॉक टेस्ट हुए थे तो जो एक्चुअल सेंटर पे आप लोगों ने मॉक टेस्ट लिए और उससे पूरा एग्जामिनेशन फील आया, तो जब मेन एग्जाम में गए थे तो उतना डर नहीं लगा था। करेक्ट, मतलब वो जो एक बाहर का एटमॉस्फेयर होता है कि एकदम अननोन प्लेस पे अननोन स्टाफ के बीच में, कॉलेज के प्रोफेसर्स तो वैसे भी थोड़े से ऐसे ही होते हैं कि डर ही लगता है, थोड़े नहीं से ज्यादा होते हैं, आप थोड़े बोल रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक जो पैनिक प्रॉब्लम एकदम से आ जाता है ना एंड टाइम पे, जो पैनिक अटैक होते हैं बच्चों को, उससे बचाने के लिए वो पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे। बहुत इजी होता है, हम लोग प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि सर विद्योदय कैंपस में अगर स्टूडेंट आ रहा है 2-3 महीने स्पेंड कर रहा है तो इट्स लाइक अ सेकेंड होम टू यू गाइस। बट जब आप एक इंडिपेंडेंट सेंटर पे जाके प्रॉपर एग्जाम्स देते हैं उसी एनवायरनमेंट में विदाउट द हेल्प ऑफ फैकल्टीज, सब कुछ नया है, सो यू एक्चुअली टेंड टू फेस द एग्जाम एनवायरनमेंट, एंड वो चीज़ बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जरूर एक बार किसी इंडिपेंडेंट सेंटर पर एग्जाम्स दे। एक्चुअली ये जो अपना कोचिंग का प्रीमाइस है यहाँ पे, तो स्टाफ लोगों के साथ भी ये लोग इतने जॉली नेचर के हो जाते हैं, मतलब आधे तो इनके कब सर से भैया बन गए पता नहीं चला, शिवानी दीदी चल रही है, कुछ कुछ लोगों को तो स्नैपचैट पे स्ट्रीट्स भी भेजते हैं। सो उस एनवायरनमेंट में बेसिकली आप गलतियां करोगे आपको डर नहीं लगता कि हाँ अपना ही विद्योदय और अपना ही स्टाफ है, बोल देंगे ऐसा चेक कर लो वैसा चेक कर लो, उनको डर नहीं है। yes, पर जब ये बाहर जाते हैं तो वो बच्चा गलती करने से भी डरता है कि भैया यहाँ पे इज्जत से रहो, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस बोले वो चुपचाप फॉलो कर लो। एंड समटाइम्स अपने को फिर थोड़ा सा हार्श भी होना पड़ता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे अगर बच्चे ने फॉलो नहीं करें तो फिर हम उसकी या तो कॉपी चेक नहीं करेंगे या मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, फिर वो कितने हमारे साथ इमोशनल अत्याचार करें। yes, yes. फिर भी हम उसको नहीं कंसीडर करते, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो है वो तो फाइनल के तरीके से ही होनी चाहिए। यस सिद्धि, सो कोई थ्योरी पेपर था जिससे थोड़ा बहुत भी डर लगता था, या वर यू गुड एट थ्योरी ऑल्सो? आई वॉज गुड एट लॉ बट इको में मेरी थोड़ी वीक थी इको। ओके, so you were, the law was your very strong point, right? Yes. So what is your score in law? 72. Oh wow, so 72 marks ka score kaise aapne create kiya essays par, thodi si checking
कहीं ना कहीं डिफिकल्ट आई है, ये बोल लें कि मार्क्स थोड़े से कम दिए हैं स्टूडेंट्स को, जो भी कंसर्न है, तो हाउ यू वर एबल टू मैनेज अ गुड स्कोर ऑफ 72 मार्क्स इन दिस एग्जाम्स? मैंने रिवीजन बहुत किया है, लिख लिख कर करा है, जैसा आपने भी बताया, सजेशन दिया था, क्यूमुलेटिव रिवीजन्स करा है. और लिख कर प्रैक्टिस करने में क्या होता है, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था. ओके, और मैंने टू थ्री टाइम्स करा है. टू थ्री टाइम्स लिख के रिवाइज किया. ओके, क्या बात है. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ओरल रिवीजन्स और यू मे से क्यूमुलेटिव रिवीजन्स? थ्री टू फोर टाइम्स. सो क्या लॉ का आपको एग्जाम्स में इजीली रिकॉल हो रहा था या कुछ स्ट्रेस करना पड़ रहा था रिकॉल करने? लॉ में मुझे बीसीआर में जितनी प्रॉब्लम हो रही थी उतनी लॉ में नहीं हो रही थी. ओके, यस महक. सो कौन सा कोई थ्योरी पेपर जिससे थोड़ा बहुत डर लगता था? लॉ से डर लगता था. ओ ग्रेट, क्या स्कोर रहा आपका लॉ में? 66. ओके, सो हाउ डिड यू मैनेज टू कवर अप द सिलेबस ऑफ लॉ? डे वन से जब से आपकी क्लासेस अटेंड करी थी तो आपने दो ही चीज़ें बोली थी, CR और WP, क्यूमुलेटिव रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस. तो क्यूमुलेटिव रिविजन जैसे ही होते थे फिर खुद को रिकॉल करवाते थे, घर पे लोगों को सुनाते थे कि आप सुन लो. लोग सुन लेते थे, हाँ, सुन लेते थे. क्या बात है, मेरी हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे थे मतलब लोग भी. चलो सर, मतलब इतनी बुरी तो नहीं है, ठीक है. तो क्यूमुलेटिव रिविजन बहुत सारे करे एग्जाम के पहले तक भी, और एग्जाम के एक दिन पहले तक भी ऐसा था कि पूरा सिलेबस रिवाइज हो जा रहा था 6 आवर्स में हो रहा था. हाँ. अरे वाह, और आपका भी लॉ पूरा रिवाइज हो गया था? कोई चैप्टर आप छोड़ के गए थे? नहीं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़, LLP तक नहीं छोड़ा था. अरे वाह, क्या बात है. महक की जो बात है सुनाने वाली की, घर वालों को सुनाते हैं, ये एग्जैक्टली मैंने मेरे CA फाइनल में करा था. अपने टाइम पे वो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट होते थे, IAS और इसका, और वो टेरर था. सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मैं रो देता था, मेरे से याद ही नहीं होता. तो कंप्यूटर, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्यूटर की चीजें याद रहेंगी? मेरे को भयंकर डर था, और मेरे को ये था बाकी सब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट फेल होगा. सो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है. उसके बाद मेरे को समझ में आया कि घर में सबसे ज्यादा डर लगता है पापा से, तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई, मैंने उसके मेमोरीज बनाए, पापा को दे दिए. मैं कहा पापा पूछो. वो डर था पापा का, मेरे को सब याद हो गया, क्योंकि पापा के सामने अगर मैंने पूछा कि आप पूछो और मेरे को नहीं आया तो सबसे बड़े डर के सामने बैठा हुआ हूँ. तो उसकी वजह से मेरे को भयंकर अच्छे से वो याद हो गया था. तो इसने बस मेरे को रिकॉल करवाया कि मैंने मेरा फियर कैसे लड़ा था बेसिकली. यस महक, तो क्या आपकी अकाउंट्स की सारी बैलेंस शीट एक शॉट टैली हुई थी या टुकड़म बुकड़म बैठाना पड़ा? नहीं, हो गई थी टैली सारी बैलेंस शीट्स. श्रेया आपकी? जी बिल्कुल, सारी हो गई थी. ओके, तो क्या पूरा 100 नंबर का पेपर कंप्लीट कर पाए थे या कुछ छूटा था या आपने छोड़ा था? नहीं, मैं 95 के अटेम्प्ट करके आई थी. ओके, वो पार्टनर 5 नंबर तो वी नो कि हम आप छोड़ोगे, दैट इज बट. और 95 का अटेम्प्ट करके आए कितने? 83. अरे क्या बात है सर, बहुत. मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं, आपको 80 स्कोर करने के लिए पूरा 100 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप 90 अच्छे से पढ़ के जाओ. yes, definitely. आपका हो जाएगा, 85 आ जाएंगे आपको उतने में से, पर 90 आपका परफेक्ट होना चाहिए. एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन अकाउंट्स? 82, 94 का अटेम्प्ट करा था. बहुत ही बढ़िया, 10-12 मार्क्स आई गेस, एक तो वो थ्योरी में गए होंगे, क्या उनको कुछ खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए टू रिवाइज एट द लास्ट डे? इट कुड कवर योर फार्मूलाज, लाइक इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स होते हैं, लॉ में कुछ सेक्शन नंबर्स होते हैं, केस लॉज होते हैं. सो वी रियली वॉन्ट कि आप ये प्लीज एड्रेस करिए स्टूडेंट्स को. लॉ में बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आंसर फ्रेम करने में. ओके, लॉ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद भी बनाए थे. एंड अकाउंट्स में बेसिकली आई वुड से थ्योरी पार्ट, उसके नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड मैथ्स की फॉर्मूला शीट? हाँ, वो मैंने पूरे ऐसे वॉल पर पूरा लगा दिया था फॉर्मूला शीट. हाँ. And we know, we really like to know from Mahek, economics के graph का भी कुछ ऐसा summarized होना चाहिए क्या कि last moment revise करना बहुत easy रहे? हाँ. आपने कुछ ऐसा prepare किया था? हाँ, किया था prepare, एक sheet में सारे graphs, इतने important नहीं होते हैं graphs, but उनमें से जैसे relationship के question उनमें से पूछ लिए जाते हैं. तो अगर आप एक जगह sum up करके रखोगे, सारे relations लिख के रखोगे, तो आपको end moment पे सब काम आ जाएगा. इको में क्योंकि तुम्हारे 94 है, तो जो लास्ट में रिवीजन हुआ वो काइम में से करा, मतलब पूरी ईयर लॉन्ग बुक जो अपनी थी वो, जो आपने समरी पॉइंट्स दिए थे पहले, तो जिसमें 5 टू 10 मार्क्स का गारंटीड बोला था, वो समरी पॉइंट्स एक अलग से भेजा था और मॉड्यूल पड़ी थी. ठीक है, तो एंड तक मॉड्यूल पूरी कैरी फॉरवर्ड करी थी इको की? स्टार्टिंग से जब पढ़ती थी तो हाईलाइट कर लेती थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो एंड मोमेंट पे सिर्फ वही पॉइंट्स पड़े. और सो गाइस,
सीए फाउंडेशन का हर एक एस्पिरेंट जो सीए फाउंडेशन टारगेट कर रहा है अगला अटेम्प्ट या आने वाले कोई भी अटेम्प्ट, अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स के अपन बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे कोर्स में है आपकी ऑनेस्टी। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लाइव बैच कर रहे हो, आप फेस टू फेस बैच कर रहे हो, आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, आप समराइज चार्ट्स में से पढ़ रहे हो, ईमानदार हो तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। और अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अभी अटेम्प्ट दी फेल हुआ है, एक बार यार शांति से बैठो और एक्सेप्ट करो क्या गड़बड़ करी, हमने कहाँ कहाँ पे गलती करी, क्या हमने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए नहीं दिए, मॉक टेस्ट दिए नहीं दिए, डाउट आए टीचर को भेजे, उसके लिए भी एफर्ट लगता है पर वो करा। हमारे QR कोड देने से कुछ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप QR कोड स्कैन नहीं करते, करेक्ट। सो यार मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे तुमने इस बार इतना अच्छा नहीं करा, इसी से तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट इम्प्रूव होगा। एंड यार जो बच्चे अभी अटेम्प्ट नहीं दिए वो बस इतना समझ लो, टीचर जो बोल रहा है उसको फॉलो कर लो, टीचर अगर बोलता है ये करना है तो करना है, टीचर अगर बोलता है ये ऐसे ही प्रेजेंट होगा तो आर्ग्यू मत करो कि यार ऐसे कर ले तो वैसे कर ले तो, टीचर जो बोल रहा है हैव अ ट्रस्ट। एक डॉक्टर भी यार इलाज तभी कर सकता है जब तुमको उसके ऊपर भरोसा हो, वरना दुनिया की कोई दवाई किसी इंसान के ऊपर काम नहीं कर सकती। तो हैव फेथ इन योर टीचर्स, जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होंगे तभी तुम उनके पास गए हो, तो बस उनके ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें। अरे तो आएंगे भाई मैच करने यार, मैच करने के बाद याद रखना ठीक है, जो भी और करो चार बार इधर के रह जाते हैं ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया होंगे मैच करने ठीक है ना, दो लगेंगे। Tripti Shreya with a fabulous score of 321 marks and Mahek Raheja with a score of फिर वो देखने लगे, स्टार्टिंग तो ठीक थी हां सर, लेकिन देखना नहीं है, ये खड़े होना, एक पीछे पे पकड़ लिया इसको। Tripti Shreya 321 दिखेगा। We have two toppers of Vidyodaya with us today. First is Tripti Shreya with a fabulous score of 321 marks and the other is Mahek Raheja. How are you sir? आप सही का? आप अटक के देख रहे हो, तो आवाज भी समझ में आ रहा है। अब तो नहीं अटकूंगा, याद होगा Tripti Shreya 321, Mahek Raheja 318। ये मैं एंड में पक्का रिकॉर्ड करके दूंगा और शानदार कसम से। अच्छा ऐसे ही फंसते हो आप लोग।